मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वेलकम आप लोगों को करूं या खुद को करूं। भाई एक साल के बाद इस सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर आ रहा हूं और देख रहे हो अभी 3-4 सिर्फ मैंने एपिसोड बनाए थे इस सर्वाइवल वर्ल्ड के, लेकिन मेरा वर्ल्ड डिलीट हो गया। भाई लिटरली एक साल के बाद इस वर्ल्ड को मैंने रिस्टोर किया, बहुत मुश्किल से किया। इससे पहले भी एक वर्ल्ड था जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा बिल्ड्स वगैरह कर रखी थी, लेकिन वो वर्ल्ड रिकवर नहीं हो पाया, वो डिलीट हो गया। ये वर्ल्ड में मैं अकेला नहीं खेलता था, मेरा दोस्त एक खेलता था मेरे साथ, लेकिन भाई पता नहीं वो अब नहीं खेलता मेरे साथ इस वर्ल्ड के अंदर। वो बिल्ड वगैरह काफ़ी अच्छी कर लेता था, मैंने उसे कहा था कि आओ दोबारा खेलते हैं, लेकिन कह रहा है माइनक्राफ्ट खत्म हो चुकी है। भाई यार गाइस कमेंट करके बताओ यार, वाकई माइनक्राफ्ट खत्म हो चुकी है? वो कह रहा है माइनक्राफ्ट में अब खेलने का मन नहीं करता। वो भाई यार जिसने मेरे साथ अभी खेलना है ना ये इस वर्ल्ड के अंदर, तो वो मुझे भाई जाके मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं उसे आईपी दे दूंगा इस वर्ल्ड की, वो मेरे साथ खेल सकता है। भाई अकेले खेलने में कोई मज़ा नहीं है भाई, मैं बिल्ड का क्या करूँगा, अकेले में खेलने में कोई मज़ा नहीं है, मेरे साथ कोई खेलेगा तो मज़ा आएगा। तो खैर देखते हैं कि उसने क्या। भाई यार मुझे ना वैसे समझ आ रही है, ये कैसल वगैरह हमने मिल के बनाया था, मैंने उसके साथ ये मिल के बनाया था ये वाला, लेकिन बहुत मेहनत लगी थी। मैंने 3-4 एपिसोड पहले अपलोड किए हुए हैं इसके, लेकिन खैर एक साल हो गया उसका अभी। भाई इसमें तकरीबन हमने एक महीना ही खेला था इस वर्ल्ड के अंदर, ज़्यादा कुछ बिल्ड नहीं किया। एक वो कैसल किया है, एक ये घर किया था, पता नहीं उसने किसी ना यूट्यूबर को देखा था लाइव स्ट्रीम पे, उसने ऐसा घर बनाया था तो उसने सेम कॉपी कर दिया, पता नहीं कैसा ये। खैर उसका घर था ये, मैं भी रह लेता था भाई उसमें ही। तो हमने वो देखो, वो हमारा एक्सपी फार्म था, हमने एक्सपी फार्म बनाया था वहाँ। वही पहले वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत थी, और उस वर्ल्ड में ये देखो ये नीचे पानी लगा दिया था हमने, ताकि ऊपर से हम छलांग लगाए तो नीचे मरे ना भाई, क्योंकि वाटर क्लच वगैरह करना कभी कभार ऐसा होता है कि वाटर क्लच वगैरह नहीं होता। तो मैं इसे सीधा ऊपर चलता हूँ, जाके मिलता हूँ आपसे। भाई एक भी मॉब नहीं है, नहीं भाई नहीं, चल रहा है चल रहा है चल रहा है हमारा, आ जा ना, आ जा आ जा, कोई एक आध आएगा ज़रूर। देखो पहले पहले अच्छे तरीके के साथ वर्क कर रहा था, देखो हमारे पास यहाँ गन पाउडर वगैरह बोन काफ़ी ज़्यादा हमारे पास, और ये देखो चल रहा है भाई, लेकिन स्लो हो चुका है अभी, पहले बहुत ज़्यादा तेज़ था। मुझे इतना पता है कि मैंने सबसे पहले यहाँ एक घटिया था जनरेटर बनाया था कोबलस्टोन का, देख लेते अभी भी है यहाँ के नहीं। और ये देखो ये है यहाँ, भाई यहाँ बैठ के ना कोबलस्टोन वगैरह माइन करते रहते थे ऐसे, और आधे जल जाते आधे मिल जाते, ऐसे बैठ के यहाँ कोबलस्टोन माइन करते रहते थे, आधे जल जाते आधे मिल जाते, बहुत मेहनत थी। लेकिन घटिया सा था ये वाला जनरेटर, और मैंने यहाँ काफ़ी ज़्यादा कोबलस्टोन जमा कर रखे थे भाई, बहुत मेहनत थी इस वर्ल्ड के अंदर। लेकिन खैर मैं एक नया वर्ल्ड भी बना सकता था, यानी एक नए वर्ल्ड के अंदर मैं बिल्ड वगैरह कर सकता था, लेकिन भाई उस दोस्त के साथ जब खेला ना भाई, वो एक अलग ही लेवल था, बहुत मज़ा आता था। आप में से कोई अगर खेलना चाहता है मेरे साथ तो भाई इंस्टाग्राम पर जाके मुझे डीएम करना, मैं आईपी दे दूंगा इस वर्ल्ड की, तो मेरे साथ कोई खेले यार। देख लेते हैं इस चेस्ट के अंदर क्या मेरे पास कुछ चीज़ है क्या। मुझे इतना पता है यहाँ बेड्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है कोई काम की चीज़, यहाँ बोर्ड्स और यहाँ लावा बकेट्स वगैरह। भाई एक मिनट, हमारे पास यहाँ आयरन फार्म नहीं है, हम आयरन फार्म बना लेते हैं वैसे। भाई देखो मैंने कुछ सामान ले लिया है, हम अपना आयरन फार्म बनाएंगे यहाँ, क्योंकि हम ये तो नहीं है कि भाई जाके अपना आयरन ढूंढते रहे। ये जगह काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दी थी हमने, तकरीबन इस पर भी 2 घंटे लगाए थे इस एरिया को क्लियर करने के लिए। लेकिन ये टॉर्चेस देख रहे हो कितनी, अरे भाई याद आया मुझे, हमारे 2 पेट थे यहाँ, और इनमें से एक तो है यहाँ अभी भी है ना यहाँ, भाई एक चला गया, एक पता नहीं कहाँ चला गया। खैर मैं यहाँ स्टार्ट करने वाला हूँ अपना एक आयरन फार्म बनाना, यहाँ बनाते हैं भाई छोटा सा आयरन फार्म बना लेते हैं जल्दी से, ताकि हमें आयरन वगैरह मिलता रहे उससे। देखो मैंने 7 ब्लॉक नीचे डिग कर लिया है, मैं एक पुराना सा पुराने वर्जन का बना के देखता हूँ क्या वो चलता है इसमें क्या। भाई चल जाए बस, अगर वो चल गया ना तो बहुत इजी होगा वो वाला। देखो 3 बेड प्लेस करने के बाद यहाँ लगाते हैं हम अपने स्लैब, एक नीचे यहाँ और एक यहाँ, और ऊपर लगाते हैं हम अपना ट्रैपडोर। ट्रैपडोर क्या मैं लेके आया हूँ क्या, अरे हाँ ट्रैपडोर लेके आया हूँ मैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ एक ट्रैपडोर लगा देता हूँ, और ये लग गया हमारा ट्रैपडोर। और अब भाई करना है यहाँ से इन कोबलस्टोन को हटा देना है। देखो मैंने यहाँ 7 ब्लॉक नीचे डिग किया है, और यहाँ मैं निकल आया हूँ बाहर, और यहाँ मैंने जहाँ 2-3 ट्रैपडोर लगाऊंगा, और यहाँ से जॉम्बी जाएगा अंदर, और यहाँ एक लगाऊंगा मैं ये वाली बोट, ताकि सीधा वो आए और यहाँ आके बैठ जाए। भाई इस बोट के अंदर वो बैठेगा, और यहाँ होंगे विलेजर्स, वो डरेंगे और
ऊपर होंगे हमारे आयरन गोलम स्पॉन, और वहाँ से वो भाई ख़त्म, टाटा बाय बाय होंगे, और उसके बाद हमें उनसे आयरन मिलेगा। तो देखते हैं क्या ये वर्क करता है इस नए वर्जन के अंदर एक पुराने वाला तरीका। तो सबसे पहले तो मुझे जाके सो लेना चाहिए, रात होने वाली है, और मैं कुछ टॉर्चेस वगैरह लेके आता हूँ क्योंकि टॉर्चेस नहीं है हमारे पास। जब वो ये वर्ल्ड छोड़ के गया था ना, तभी से सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया था आयरन फार्म बनाने के लिए। लेकिन हमने बड़ा आयरन फार्म बनाने के लिए ये इकट्ठा किया था, लेकिन वो अब है नहीं है, इसी वजह से अब दिल नहीं कर रहा भाई, लेकिन बनाते हैं। आप में से कोई एक प्लेयर मेरे साथ खेलने के लिए आएगा, फिर यार साथ में बातें होती रहती हैं और साथ में बनाते रहते हैं। देखो मैंने यहाँ ट्रैप डोर वगैरह तो लगा दी है, अब यहाँ से जॉम्बी जाएगा अंदर, जाके बोर्ड के अंदर बैठेगा, और यहाँ मैं तीन बेड लगाने वाला हूँ। और यहाँ तीन बेड का मतलब है कि यहाँ आएंगे हमारे पास हमारे विलेजर्स, और वो जैसे जाके यहाँ लेटेंगे उन्हें तोड़ दिया जाएगा, वो अंदर जाके गिर जाएंगे। भाई एक बेड की कमी पड़ गई है, लेकिन खैर वो एक बेड वहाँ पड़ा होगा, ले के आते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ दो ब्लॉक छोड़ के तीसरे ब्लॉक से शुरू करते हैं यहाँ डिग करना। देखो ये रेडी हो चुका है, ये इस साइड पे 9 ब्लॉक्स, दूसरी साइड पे 5 ब्लॉक्स, यानी 5x9 का हमने एक गड्ढा किया, दो ब्लॉक्स गहरा है। और यहाँ सबसे पहले तो हम लगा देते हैं अपना एक होपर, सेंटर के अंदर हम अपना होपर लगाते हैं यहाँ। एक साइन बोर्ड इस तरफ लगाएंगे, जो भी भाई लिख, और एक साइन बोर्ड इस तरफ लगाएंगे, और उसके बाद एक साइन बोर्ड यहाँ लगाते हैं, और एक ब्लॉक लगा के यहाँ हमारे पास गेट होगा, और ये वाला फेंस गेट, और इस फेंस गेट को हम लगाते हैं यहाँ। ये हमारा फेंस गेट लग गया, एक यहाँ लगाते हैं यहाँ हम अपना बोर्ड। ओ भाई देखो ये रेडी हो चुका है, अब मैं यहाँ लावा लगा सकता हूँ। अगर मैं लावा लगाता हूँ यहाँ तो अब ये जलेगा नहीं, अगर मैं ये वाला साइन बोर्ड नहीं लगाता तो ये सारा जल जाता। अब मैं इस ब्लॉक को हटा सकता हूँ यहाँ से। देखो आयरन फार्म हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मैंने यहाँ लावा वगैरह लगा दिया है, और यहाँ मैंने ये होपर के नीचे एक चेस्ट लगानी है, ये वाले होपर के नीचे एक चेस्ट लगानी है, ताकि हमारा जितना भी आयन है वो यहाँ कलेक्ट हो सके। भाई चल गया अगर तो ये, क्योंकि मैं एक नए वर्जन के अंदर ओल्ड वर्जन का आयरन फार्म बना रहा हूँ, देखते हैं चलता है कि नहीं ये चलता। लेकिन खैर यहाँ पानी लगाते हैं दोनों कॉर्नर्स के अंदर। इस कॉर्नर के अंदर भी पानी लगा देते हैं, और मेरा जहाँ तक अंदाजा है कि भाई ये चल जाएगा वैसे। और अब भाई जो सबसे मुश्किल काम है ना, वो ये है कि हमें जो विलेजर्स हैं, सामने विलेज है, उसमें से विलेजर्स लेके आने हैं। भाई बहुत मुश्किल होने वाली है ये, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी ये काम करता हूँ। अरे विलेजर्स कहाँ चले गए, अरे विलेजर्स, ये देखो ये क्या कर रहा है भाई, अरे ये देखो गुंडा आ गया एक, लेकिन खैर इसकी तो बैंड बजा देंगे। इनकी तो बैंड बजा दूंगा मैं, मुझे बस विलेजर्स चाहिए। क्या ट्रेड कर रहे हैं एमलेट के जरिए, ये नॉकबैक वन की आयरन शॉट दे रहा है, मैं तेरी। 1 hour later भाई पता नहीं 15-20 मिनट लगा के मैं एक विलेजर बहुत मुश्किल से लेके आया हूँ विलेज के अंदर से, लेकिन खैर ऐसे ही मैं लेके आऊँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी पहले एक तो रख लेता हूँ। विलेजर हम डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं, चलो जाओ और जाके बेड पर सो जाओ, भागे जाएगा भाई सोने के लिए। अब ये गया, अब तो नीचे जा भाई, एक चला गया ना, एक चला गया भाई। मैं जल्दी जल्दी जाके दूसरे लेके आता हूँ। A few moments later. भाई हमारा तीसरा विलेजर भी आ चुका है, और ये भी गया अंदर, चलो अब काफ़ी है ये। और ये वाले सारे बट, अरे भाई वैसे ही ओ चलना शुरू हो गया वैसे ही। अरे भाई मैंने ज़ॉम्बी अभी अंदर नहीं, ओ भाई ज़ॉम्बी के बगैर ये चल रहा है, सही जगह पे आयरन गोलम स्पॉन हो रहे हैं भाई, क्या मस्त है भाई ये तो। अरे भाई ये ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया, अरे ये ज़ॉम्बी कहाँ से, खैर ये ज़ॉम्बी आ गया अंदर, खैर ये अब जाएगा इसमें, आ जाना ज़ॉम्बी मेरा पीछा करना। और वो ये दो दो ज़ॉम्बी कैसे आ गए अंदर, एक चला गया, अब एक की ज़रूरत नहीं है, और ये मर गया भाई। और वो अंदर जा कर बैठना, और बैठ गया भाई सही जगह पे, वो सही जगह पर जाके बैठ गया, और यहाँ विलेजर्स वगैरह डर रहे हैं। अब भाई ये फार्म चलने वाला है भाई, मेरी मदद हो गई भाई अचानक ही।
भाई मैंने सारा का सारा आयरन फार्म ठीक बनाया था, मैंने एक चीज़ गलत कर दी थी, मैंने हॉपर लगा के चेस्ट नहीं लगाई थी। अब सारा यानी फिर से दोबारा वो करना पड़ा है भाई, बहुत दिक्कत हुई है यहाँ से, लेकिन खैर हो गया। अब भाई देखते हैं कि यहाँ स्पॉन होते हैं हमारे आयन भाई साहब। भाई ये देखो आयन गोलम यहाँ स्पॉन हो रहा है और सही तरीके के साथ, और हमारे चेस्ट के अंदर आयरन आता होगा। भाई देखो चार आ चुका है आयन, अब यहाँ से शुरुआत हो चुकी है हमारे आयन फार्म की, और ये आयन फार्म चलता रहेगा जब तक वो अंदर जोम्बी और हमारे विलेजर्स वगैरह बैठे रहेंगे, और ये चलता रहेगा। भाई देखो हमारे पास 8 आयन आ चुके हैं और ये हमारा आयन फार्म अब चलना शुरू हो चुका है। मैं सबसे पहले तो आपको एक यानी किले की थोड़े से दिखा दूँ किला कैसा बनाया है। भाई यार आप में से कोई खेलना चाहता है तो आए यार आगे मेरे साथ खेले। और ये देखो कोई वैसे अननॉर्मल सा है, कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं बनाया, एक बिल्कुल नॉर्मल सा था। और यहाँ बटन लगाया था और ये ऊपर जाने का रास्ता हमारा, चलते हैं ऊपर जाके। और ये देखो ये सारे के सारे पिलर्स आपस में कनेक्ट हैं, वो हमारा आयन फार्म। खैर इसे बनाएंगे अच्छे तरीके के साथ, ये तो मैंने घटिया सा बना दिया है ताकि हमें कुछ नॉर्मल से, वो देखो वो वहाँ स्पॉन हो रहे हैं और हमारा आयन फार्म चल रहा है, लेकिन खैर यार हम बनाएंगे अच्छा आयन फार्म। तो आज के लिए वीडियो सिर्फ इतनी ही थी यार, अगर आप में से कोई खेलना चाहता है मेरे साथ तो आए भाई खेले मेरे साथ आके, तो इस सर्वाइवल वर्ल्ड को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार।